हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीपल अलील और उसके बाद है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ज़रा आपने गौर से सुनना है, मैं मल्टीपल अलील को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के दरमियान होती हैं, जो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। तो उन तमाम पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा किसके अंदर, मल्टीपल अलील के अंदर, और फिर जो है वो बाद में हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे पास ये एक सेल है। अगर आप इस सेल को देखें, क्योंकि मैं ये चीज़ जो है ना आपको मल्टीपल अलील का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है जी। जब भी आप एक सेल को देखते हैं ना, सेल के सेंटर में डार्क पोर्शन है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर 2n क्रोमोसोम हैं और ऐसे सेल को आपको पता है कि हम बोलते हैं डाइप्लॉइड्स सेल, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं डाइप्लॉइड सेल क्योंकि इसके अंदर 2n का मतलब है 46 क्रोमोसोम है, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, इसके अंदर हैं जी 46 क्रोमोसोम। अब एक चीज़, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो 46 क्रोमोसोम हैं ये कितने पेयर होंगे? 23, शाबाश। जो बच्चे मेरा रेगुलर लेक्चर लेते हैं उनको पता होगा कि इसके अंदर जो हैं वो 23 पेयर्स हैं। ये चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा जी, 23 पेयर्स हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम है। अब मुझे ये बताएं कि हमारी बॉडी के एक सेल जो पहला जाइगोट बना था एग और स्पर्म से, जिसमें 46 क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम बने जाइगोट के अंदर, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम कहां से आए? मदर से। और 23 कहां से आए? फादर से। समझ आ रही है? अब देखें, मैं ना उनमें से एक पेयर की बात कर लेता हूं। लेट्स सपोज दी पेयर नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। यह है जी मेरे पास पेयर नंबर 1 क्रोमोसोम का, और इसी तरह के हमारे पास जो हैं 23 पेयर्स हैं, जिसमें से हर पेयर में से एक क्रोमोसोम जो है, इसको मैं लिखता हूँ, हर पेयर में से एक क्रोमोसोम जो है वो आया है मदर से और दूसरा जो है वो आया है फादर से। मतलब कि ये एक पेयर है ना, इसमें एक मदर से आया, एक फादर से, अगले पेयर में एक मदर से, एक फादर से, अगले पेयर में एक मदर से, एक फादर से, तो टोटल हमारे पास मिला के कितने पेयर बन गए? 23। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक चीज़ और आप जहन में रखें कि मैं ना एक जो मैं बार बार एग्जांपल आई कलर की देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट इजीली वो हमारे पास अवेलेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, हम उसको इजीली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या बात है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसमें ना यहाँ पर इस जगह पर एक जीन है जो आई कलर को कंट्रोल करता है, ठीक है जी, आई कलर को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे इसी का जो दूसरा क्रोमोसोम है, इसको बोलते हैं होमोलोगस, उसके ऊपर भी उसी जगह पे आई कलर वाला जीन है, सेम इसी जगह पे आई कलर वाला, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट मुझे एक चीज़ बताएं कि एक इसके ऊपर भी एक जीन है, इसके ऊपर भी एक जीन है, तो क्या फिर आप ये बोलेंगे कि हमारे पास एक डाइप्लॉइड सेल में आई कलर को कंट्रोल करने के दो जीन हैं? कभी भी याद रखना है, आपने जीन नहीं बोलना, आपने कहना जीन एक ही है, उसकी कितनी अलील है? दो अलील है। एक जो है वो रेड शो करती है कलर को, और उसकी जो आई कलर वाला जीन जो है उसकी दूसरी अलील जो है वो ब्लू को शो करती है, ठीक है। वैसे कलर तो ये ग्रीन होना चाहिए और इसको हमें ब्लू बोलना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए, तो फिर ये क्लियर हो गया आपको, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक जीन की दो अलील होती हैं। स्टूडेंट, जीन एक ब्रॉडर टर्म है। जीन क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। मतलब कि जी आई कलर का जीन, अब आई कलर की जीन की आगे डिफरेंट अलील हैं, हमारे पास कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है, कुछ येलो कलर हैं, कुछ ग्रे कलर हैं, कुछ ब्लैक हैं, इसी तरह के डिफरेंट जो हैं वो पीपल्स जो हैं, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो मोस्टली ब्लैक आए पीपल्स जो हैं वो हमारे जनूबी एशिया में,
अगर हम रशिया में देखें तो ग्रीन कलर के आए हैं, अगर आप इंग्लैंड में देखें तो ब्लू कलर के आए हैं, अगर जर्मन में देखें तो ग्रे कलर आए हैं। हिटलर की बहुत बड़ी हिस्ट्री बताई जाती है कि उसने कहा था दुनिया में जस्ट ग्रे कलर आए ही रहने चाहिए, बाकी सबको ख़त्म कर दें, क्योंकि उसका अपना आई कलर भी ग्रे था। ठीक है जी, तो बाद में लोगों ने इसको पोइट्री के अंदर बड़ा यूज़ किया है। ये हमारे जो लोकल पोइट्स हैं इन्होंने हिटलर के बारे में बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है। मैं भी इसके साथ मतलब कि मेरा भी कुछ वास्ता है सॉन्ग वगैरह सुनने में, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत से कुछ ऐसे उसकी पोइट्री जो है उसके अंदर हिटलर के बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीपल अलील का। क्या है? मल्टीपल अलील। अक्सर हम फिर जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी बेटा एक मैन के अंदर, एक मेल के अंदर या एक फीमेल के अंदर एक जीन की दो या चार एलील होती हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है। एक मेल के अंदर एक जीन की मैक्सिमम कितनी एलील होंगी? दो ही होंगी। तो फिर ये मल्टीपल एलील का क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है कि एक जीन की पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट फॉर्म में एलील होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कलर वाला जीन है तो मेरी बॉडी के अंदर उसकी दो ही अलील हैं, या ब्लैक होगी जो फादर से आई है, या ब्लू होगी जो मदर से आई है। वैसे मेरी मदर की ब्लू तो नहीं है, वो भी ब्लैक ही है, लेकिन समझाने के लिए मेरी बॉडी के अंदर दो ही अलील हैं। समझ आ रही है? अगर मेरा एक नेबर है, उनका एक बॉय है, उसके अंदर दो अलील हैं, उसके पापा जी ब्लू आए हैं और ग्रीन आए हैं, तो उसकी बॉडी के अंदर भी दो अलील हैं। अब मुझे ये बताएं, आई कलर का जो जीन है दो तरह की अलील मेरी बॉडी के अंदर है, दो तरह की उस बच्चे के अंदर, तो टोटल कितनी तरह की अलील होगी? हैं चार। तो ऐसी अलील जो दो से डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है किसी भी पॉपुलेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील। ठीक है जी, तो ये मल्टीपल अलील का आपने कॉन्सेप्ट ज़रा जहन में रखना है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताता जाऊँ आपको, आज भी एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया कि वो पूछ रही थी सर कि एक हमारे पास अगर एक पॉपुलेशन है, या फॉर एग्जांपल वो एक छोटे लेवल पे बात कर रही थी कि हमारी फैमिली है, हम सारे के सारे जो हैं वो वाइट हैं, तो क्या हमारी बॉडी हमारी जो फैमिली के अंदर कोई ब्लैक बेबी भी पैदा हो सकता है, या उस तरह की कुछ? या फॉर एग्जांपल आप ये फ़र्ज़ कर लें कि हमारी जितनी भी जनरेशन्स हैं, जितनी भी आप जानते हैं 4, 5, 6, 7 नस्लें जितनी भी हैं, वो सारी ब्लैक आए हैं, तो क्या कोई आगे कोई चांस है कोई बेबी जो है वो ब्लू आई हो? तो हो सकता है। उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी के अंदर दोनों ही अलील जो हैं वो ब्लैक हैं, अगर उसके अंदर म्यूटेशन आ जाए जीन के अंदर, अलील वो जो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है अलील दोनों ही, वो बेसिकली डीएनए ही है ना, टुकड़ा डीएनए का ही है, उसके अंदर चेंज भी तो आ सकती है ना, म्यूटेशन भी तो हो सकती है। आपने पढ़ा नहीं है वो पॉइंट म्यूटेशन, उसके बाद है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, इसके अलावा जो है वो इन्वर्जन है, ट्रांसलोकेशन है, डिलीशन है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑलरेडी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाले चैप्टर में जो हमारा सबसे लास्ट वाला टॉपिक था उसके अंदर आपने उसको स्टडी किया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट फिर यहाँ पे हमें क्या दिखने में मिलता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एक अलील की इतनी ज़्यादा, एक जीन की इतनी ज़्यादा अलील कैसे बनी, उसका आंसर है जीन म्यूटेशन हो गई। जीन के अंदर क्या आ गया? म्यूटेशन। तो स्टूडेंट एक जीन की 300 तक भी अलील हो सकती हैं यार। आई कलर जो है इसकी आप बेशुमार बता सकते हैं, 8-10 तो मैं भी बता सकता हूँ। समझ आ रही है? उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि अगला पॉइंट है कि ये जो मतलब इसके अंदर जीन के अंदर चेंज आती है, अल्टरेशन आ जाती है, उसको हम अल्टर्ड फॉर्म कहते हैं किसी भी जीन की। तो एक चीज़ स्टूडेंट अब यहाँ पे मैं दोबारा वही क्लियर कर रहा हूँ कि एक डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है, कभी भी आपने ये नहीं बताना कि उसमें तीन एलील है एक जीन को कंट्रोल करने, एक ट्रेट को कंट्रोल करने, होती कितनी है? दो ही। समझ आ रही है? सिर्फ ये है कि मेरी बॉडी के अंदर दो हैं, किसी और की बॉडी के अंदर वही जीन को कंट्रोल करने वाली दो ही एलील हैं, लेकिन वो किसी और फॉर्म में है, जिस तरह मैंने वो आई कलर की एग्जाम्पल बताई है। इसी तरह स्टूडेंट फिर मुझे, मैं आपसे अगर पूछूं कि एक डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कितनी एलील हैं? 2। और एक हैप्लॉइड सेल के अंदर एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कितनी एलील हैं? 1। समझ आ रही है? तो ऐसे जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन जो है, आई कलर की एग्जाम्पल जो है ये मैंने आपको बता दी है
कि आई कलर जो है ये आपकी बॉडी के अंदर एक मल्टीपल एलील एक फैक्टर है, मल्टीफैक्टोरियल फैक्टर है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन ये भी एक मल्टी। उसके बाद जो आपको मैंने पढ़ाना है वो है ब्लड ग्रुप। आपकी बॉडी के अंदर जो जनरल जो हम चीज़ को डिस्कस करते हैं वो है ब्लड ग्रुप। आपका ब्लड ग्रुप जो है वो भी मल्टीपल अलील की एक एग्जाम्पल है, समझ आ रही है, जिसको मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, मैंने इसके अंदर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट एक चीज़ मैं दोबारा फिर आपको बता दूँ, बहुत से बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर हमारा जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं आ रहा, जब हम YouTube पे वीडियो ऑन करते हैं तो वो ठीक नहीं आती, ब्लर ब्लर आता है ऐसे रिज़ल्ट ठीक नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ अगर आप मोबाइल के ऊपर जो है वीडियो देख रहे हैं तो इस जगह पे टॉप पे तीन डॉट्स हैं, आप इनको प्रेस करें, प्रेस करने के बाद ना नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन आएगा क्वालिटी का, वो जो क्वालिटी जब आप प्रेस करेंगे ना क्वालिटी को इनक्रीज़ करना है 720 या 1040 या 20, इस मतलब जितनी ऑप्शन है उसमें से मैक्सिमम जो ऑप्शन है वो आप क्वालिटी करें, आपके बिल्कुल रिजल्ट क्लियर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मल्टीपल एलील का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट अभी हम जो है अपना लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट आज के लिए थैंक